जय श्री राम साथियों, नमस्कार साथियों। इसको जो जिक्र है क्या यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है साथियों। पिछले वीडियो मैंने आपको पुरुषोत्तम मास के विषय में कुछ जानकारी दिया था। पुरुषोत्तम मास में मल मास में क्या काम करने चाहिए जिससे ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त हो, आपका समस्याओं से छुटकारा मिले, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जो दैनिक जो कार्य हैं उसमें सुगमता प्रस्थापित हो, तो पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ करने का मैं आपको बताया था। तो साथियों, जैसे पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास को अपनी नाम दिया। पुरुषोत्तम मतलब भगवान विष्णु पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम उत्तम, जैसे राम जी को पुरुषोत्तम उत्तम कहा गया, पुरुषोत्तम राम। तो इन्होंने भगवान विष्णु का दिया हुआ नाम पुरुषोत्तम मास है। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की विशेष उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये नाम उनके समर्पित है और शिव जी को भी समर्पित है। तो इस मास में भगवान विष्णु के 33 नाम आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इन 33 नामों के यदि आप प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, इनसे भगवान को याद करते हैं, उनका पूजन करते हैं, जप करते हैं, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी बताई गई बातें समय से पता चलती रहें। तो साथियों, आते हैं आपको कि विष्णु भगवान के जो 33 कौन कौन से नाम हैं। जैसे मैंने बताया कि विष्णु भगवान के तो एक सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम तो बहुत बड़ा है, यदि आप उसको ना पढ़ पाए तो ये 33 नाम से भी भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मास में विशेष प्रसन्न होते हैं। तो 33 नाम कौन कौन से हुए? ओम विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरिम, कृष्णम, अधोक्षजम, केशवम, माधवम, रामम, अच्युतम, पुरुषोत्तमम, गोविंदम, वामनम, श्रीशम, श्रीकृष्णम, विश्वसाक्षिणम, नारायणम, मधुरिपुम, अनिरुद्धम, त्रिविक्रमम, वासुदेवम, जगद्योनिम, अनंतम, शेषसायिनम, संकर्षणम, प्रदुम्नम, दैत्यरिम, विश्वतोमुखम, जनार्दनम, धरावासम, दामोदरम, मघार्दनम, श्रीपतिम। तो यह विष्णु भगवान के 33 विशेष नाम हैं। यदि आप विष्णु सहस्र का नाम का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो पुरुष सूक्त का पाठ करने के बाद, पुरुष सूक्त आप आसानी से कर सकते हैं, तो पुरुष सूक्त का पाठ करने के बाद यदि इन भगवान विष्णु के इन 33 नामों का भी आप जप करते हैं, इससे भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, विशेष आपको फायदा रहेगा। और इसमें एक और दोहा आता है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस नाम तुतल्यम राम नाम वरानने, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तुल्यम, सहस्रनाम तत्तुल्यम, सहस्रनाम तत्तुल्यम, यानी कि सहस्रनाम 1000 नाम के बराबर नाम है। सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान, राम जी का नाम हुआ क्या हुआ? 1000 नामों के बराबर एक राम जी का नाम हुआ। तो आपको मैंने तमाम विधियां बता दी, तमाम उपाय बताए, आप कई उपाय करना चाहें कई उपाय करें, एक उपाय करना चाहें एक उपाय करें, जिससे आप पुरुषोत्तम मास में एक आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करके अपना भला कर सकें, अपना कल्याण से कर सकें, जिससे आपका जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल सके, आप समस्याओं से मुक्ति निजात पा सकें। तो आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वो आप हमारे चैनल का तब सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक नमस्कार। और वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।